दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज बात करेंगे $3 बिलियन पोंजी स्कीम स्कैम के बारे में, जिसकी वजह से बिटकॉइन को आपने बहुत बुरी तरह नीचे गिरते देखा, जिसमें अल्टकॉइन भी सामने आपको देखने को मिलते हैं। तो बिटकॉइन में काफी बड़ा स्कैम हुआ है, 2 लाख से भी ज्यादा बिटकॉइन स्कैम कर दिए गए हैं, वो भी प्लस टोकन के द्वारा, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बिटकॉइन लास्ट वीकेंड में काफी बुरी तरह गिरा था और अल्टकॉइन भी आज की डेट में अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। प्लस टोकन जो कि पोंजी स्कीम थी, जो कि सेम टू सेम क्लाउड टोकन की तरह, इनके टोकन के सीईओ चेंज है, प्लस टोकन का भी सीईओ चेंज है, बाकी टीम इनकी बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये सेम स्कैम की तरह है जितने जो कि पोंजी स्कीम लेके आते हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन आज की डेट में बढ़ नहीं पा रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है। उसके बारे में बात करेंगे प्लस टोकन ने कितना बड़ा स्कैम कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 70,000 BTC एक दिन में किया गया, 8 लाख ETH एक दिन में किया गया, और चाइना पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट भी कर लिया, उनके टीम मेंबर को। वीडियो लोग के लिए रहने वाली है जो क्लाउड टोकन में इन्वेस्टमेंट की हुई है, प्लस टोकन में की हुई है, एस ब्लॉक में की हुई है और ऐसे तरह के शिट प्रोजेक्ट में की हुई है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें काफी चीजें आपको ऐसे पता लगने वाली हैं जो कि आपको नहीं पता है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि एक लाइक भाई को मोटिवेट करता रहता है, और जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम फ्री में ज्ञान बांटते रहते हैं। बात करते हैं प्लस टोकन की। क्लाउड टोकन का नाम आपने सुना होगा, काफी प्रमोशन की है लोगों ने, प्लस क्लाउड टोकन का लोगों ने प्रमोशन की प्लस टोकन के थ्रू, प्लस टोकन का हवाला दिया, प्लस टोकन के $200 हो गए, $300 हो गए, और क्लाउड टोकन उन्हीं का प्रोजेक्ट है। एक्चुअल में क्या है कि सीईओ चेंज कर दिए जाते हैं और टीम उनकी वही सेम टू सेम रहती है, बट अगर बात की जाए इनके सीईओ का, जब हम प्रोफेशन चेक करते हैं कोई भी मैच नहीं होता है। और आज की डेट में ये 2 लाख से भी ज्यादा का बिटकॉइन का स्कैम कर चुके हैं, और आगे बहुत देखने को मिलेगा कितने हैं, क्योंकि जाके देखो कि और कितने बिटकॉइन का स्कैम होता है और बिटकॉइन कितनी बुरी तरह गिरता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एड्रेस डाल दिए गए, एड्रेस आप देख सकते हैं 95,000, 88,000, कितने ही एड्रेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जो कि डेली के डेली विड्रॉल हो रहे हैं। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि इसका जो टीम है, जो कि क्लाउड टोकन की टीम है, क्लाउड जो कि आपको पता है क्लाउड वॉलेट जो इसको आप बोलते हैं, काफी लोगों ने इसकी प्रमोशन की, वो भी इसमें काफी बड़ा हाथ है। वो भी आज की डेट में उनको जैसे ही पता लग रहा है कि प्लस टोकन में स्कैम हो गया, वो भी अब भागने की कगार पर लगे हुए हैं, वो भी आने वाले टाइम में भाग जाएंगे। तो जिसका पैसा लगा हुआ है वो निकाल लो भाई, नहीं तो आपका पैसा वो भी जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्लाउड टोकन की टीम सेम है, क्लाउड टोकन का कंसेप्ट सेम है, और आप प्लस टोकन का हवाला देके क्लाउड टोकन में लोगों को फंसाया गया। और आज की डेट में आप मानो ना मानो, मैंने जितने भी वीडियो बनाई है, मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं, क्लाउड टोकन की बनाई हुई है, मैंने एस ब्लॉक की बनाई हुई है, उसमें फैक्ट्स पे बात की है कि ये स्कैम क्यों हो सकता है, तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। मैं पहले जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं, जितने भी वीडियो आज की डेट में वो स्कैम हो चुकी हैं, और प्लस टोकन के बारे में भी मैं बता चुका था, जिन लोगों ने समझ गए वो समझ गए, जो नहीं समझ गए वो आज ठुल्ला लग चुका है। आप देख सकते हैं 2 लाख का BTC जो अभी की वैल्यू बता रहे हैं, जो कि एग्जिट स्कैम हो चुका है, ये काफ़ी टाइम बाद निकल कर सामने आया, जो कि एड्रेस आपको दिखते हैं यहाँ पर, इन्होंने एड्रेस के थ्रू उन्होंने पकड़ने की कोशिश भी की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी करी है, बट वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है। बाकी उनकी टीम को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और विड्रॉल लगा 22,847 BTC का, ये भी काफ़ी बड़ा अमाउंट है BTC को मेंटेन करने के लिए। अगर आपके पास इतना BTC है तो आप प्राइस को अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, आप किंग बन सकते हैं, बिलियनेयर BTC को अपने हाथ पर नचाते हैं। तो मैनिपुलेशन बहुत है BTC में, जो कहते हैं हमें TA आती है, PA आती है, उसमें वो आपका फुद्दू ही बनाते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। TA वर्क करती है, बाकी कई कंसेप्ट में आज की डेट में वो कह रहे हैं कि BTC ऊपर जाएगा, मेरे पास 1,00,000 BTC है या 1,000 BTC है, मैं नीचे गिरा दूंगा, उखाड़ लो भाई, बेइज्जती होगी, वही चीज है। सामने आया चैन सिस्टम, इनका बताया गया चैन सिस्टम है। एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो प्लस MLM इज इक्वल टू स्कैम बनता ही है वह, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये वॉलेट एड्रेस यहाँ पर दिख रहे हैं, अगर आप इसको ब्लॉकचेन पर जाकर देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कितने बिटकॉइन यहाँ पर ट्रांसफर किए गए, जो कि बिटकॉइन ट्रांसफर किए गए बिटरेक्स और ओबी एक्सचेंज में किए गए, वहाँ पर बिटकॉइन को बहुत गंदे तरीके से सेल किया गया, जिसकी वजह से बिटकॉइन को डंप होते हुए देखा आपने लास्ट वीकेंड में। एक सेल कहाँ किए गए, बिटरेक्स और ओबी एक्सचेंज में इसको सेल किया गया,
BTC को, और वहां पे काफी बुरी तरह से सेल किया गया, जिसकी वजह से बिटकॉइन को आपने नीचे गिरते हुए भी देखा है। लोगों को कितना लॉस हुआ है अल्टकॉइन में और बिटकॉइन में, $4.3 बिलियन का लॉस हुआ है, वो भी इन लोगों के कारण। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले स्कैम हुआ था, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम था, $1 बिलियन का था। अब वो बेचारा सेकंड रैंक पर आ गया है बिटकनेक्ट, अब नंबर वन पे आ गया है प्लस टोकन। हो सकता है क्लाउड टोकन उससे भी आगे निकल जाए और एस ब्लॉक उससे भी आगे निकल जाए। एस ब्लॉक की आज की डेट में ऐप भी वर्क नहीं कर रही है, तो मैं इसलिए बोलूंगा कि देखो लोग इसको प्रमोट करेंगे, उनका धंधा वो करेंगे, मैं किसी को नाम नहीं ले रहा, ठीक है। वो आपको है कि आपको किस तरह से लेना है। अगर आपको बताता है कि इसमें ये बेनिफिट है, तो आप वो भी चीज़ देखें, इसमें नुकसान क्या है, दोनों चीज़ों को आप देखें। तो 5000 BTC दोबारा से मूव किए गए, तो आप ये देख सकते हैं कि देखो लोग कर रहे हैं, लोग आज के डेट में OKX भी कर रहे हैं, वॉश ट्रेडिंग है, ठीक है, वॉश ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से भी बच कर रहे हैं वो। चाहे देखो अगर आज की डेट में वो प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो टेलीग्राम पर प्रमोट कर रहे हैं, ट्विटर पर कर रहे हैं या यूट्यूब पर कर रहे हैं, अगर आप उसको देख के नज़रअंदाज करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी भागीदार बन रहे हैं। एक किस्म से है कि आप सोचते हैं कि चल छोड़ पड़ा, हमें क्या लेना, लोग फंसते हैं। अगर आप आवाज़ नहीं उठाते तो आपको प्रॉफिट जिंदगी में नहीं हो सकता भाई मेरे। भगवान देख रहा है, भगवान को पता है भाई ये बंदा गलत है, इसको मैंने प्रॉफिट नहीं करना है, और इसे निकालना कैसे उनको भी पता है। आपका प्रॉफिट होगा, एक सेकंड में आपका लॉस भी हो जाएगा। तो भगवान अगर खुश रहता है तो किस्मत आपका साथ देखेगी। देखो इसमें किस्मत वर्क करती है, डेस्टिनी चीज है। अगर आप किसी को देख रहे हैं तड़पता हुआ, अगर आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो भगवान भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। वही चीज़ अगर कोई गलत काम कर रहा है, चाहे मैसेज पिन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आप उनको बोलें भाई इट्स नॉट गुड, आप पैसे के लिए, चंद पैसों के लिए हमारे साथ गलत मत करें, ठीक है। उनको आप समझाएंगे, उनको अपने आप अकल आएगी, वो अच्छा काम ही करेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे। वॉश ट्रेडिंग वाले प्लेटफॉर्म से ही बच करें, वो भी एक ना एक दिन स्कैम करेंगे फ्यूचर में आके, मैं नाम ले रहा किसका। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, टोकन स्कैम हो चुका है, अब आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है जो कि आपका जा चुका है। अब आप सोच रहे हैं कि पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ने साफ बोल दिया कि आपका पैसा रिफंड होने की संभावना बहुत ही कम है, तो आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग आपको दिख रहे हैं कि टीम मेंबर है जो कि गलत काम करते आ रहे हैं शुरू से। तो ऐसे प्रोजेक्ट से जितना है उतना बचो, मेरा आपको यही सलाह है कि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं, आपको लास्ट में वीडियो दिख जाएगी और आई बटन पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे क्लाउड टोकन, एस ब्लॉक और जो प्लस टोकन के बारे में, जो आपको दिखने के बाद भी यहाँ पर नहीं दिखाई देती हैं। तो वही चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे कि होबी, बिट्रेक्स और बाइनेंस जैसी एक्सचेंजों में इसको सेल किया गया। देखो अब उन्होंने उस एक्सचेंज में सेल किया, अपना पैसा बनाया, आप देख सकते हैं बुरी तरह डंप हुआ। उनकी जो मेंटेनेंस पर वो गई थी, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि उनको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने मेंटेनेंस में भेज दी। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं कि काफ़ी सीक्रेट्स रहती हैं। तो आज की डेट में प्लस टोकन स्कैम हो चुका है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है जो उनकी टीम है, और उनके जो मेन बंदे हैं वो आज की डेट में फरार हैं, और चाइना इस चीज़ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। यही चीज़ों के कारण क्रिप्टो को लीगल करने में मुश्किल होता है। कोई भी प्रोजेक्ट आते हैं तो आप बच के रहें, क्योंकि ये आज की डेट में स्कैम करेंगे ही करेंगे, जो कि आज की डेट में वॉश ट्रेडिंग वाली एक्सचेंज भी कर रहे हैं, वो उनसे बड़ा स्कैमर भी कोई दुनिया में नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा आपको इससे रिलेटेड क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है प्लस टोकन, क्लाउड टोकन और एस ब्लॉक जैसे पोंजी स्कीम के बारे में और वॉश ट्रेडिंग एक्सचेंजों के बारे में। नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिएगा। उससे पहले जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया में फॉलो नहीं किया है, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी मेरे को फॉलो कर लीजिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नहीं मालूम है तो सुन, हमें वही था जब यूज मेरे दो थे, हमें वही था सुनाने वाले 100 थे, हमें वही था जब लोगों ने कहा कि तेरी बोली नहीं चलेगी, लेकिन आज देखो जाम हुए।